आजवाद के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अरमान प्रशा को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां पर उसे हिप्नोटाइज करके वो कहानी दिखाई जाती है जो अरमान ने प्रशा के लिए बनाई होती है, और साथ ही साथ कुछ तस्वीरों को एडिट करके अरमान प्रशा के सामने ये भी दिखाता है कि कैसे रुद्राक्ष उसे टॉर्चर करता था और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश में उसे मारता पीटता था। प्रशा अपने सामने जब रुद्राक्ष की फ़ोटो देखती है और जब अरमान की सुनाई हुई कहानी सुनती है, तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अरमान के सामने रुद्राक्ष के नाम से नफरत करने लगती है, और ये देखकर कि अरमान बहुत ज़्यादा खुश होता है कि पीहू प्रशा से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप मेरी पैकिंग में मदद कर दीजिए, और प्रशा मान जाती है। वो दोनों उनके रूम में जाते हैं और देखते हैं कि कंचन ऑलरेडी पैकिंग स्टार्ट कर चुकी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। यहाँ पर प्रशा कहती है कि क्या हुआ, आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो? तभी कंचन कहती है पीहू का एडमिशन करवाना है, सबसे बात करनी है, मुझे दिल्ली जाकर के इसे शिफ्ट करवाना है, ये सब कुछ मैं कैसे करूँगी, ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल है। तभी प्रशा नोटिस करती है कि कंचन काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रही है और बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है। फीलिंग यहाँ पर वो अपनी कंसर्न के रूप में दिखाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, आप सब कर लोगे, मुझे पता है सब कुछ हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। लेकिन कंचन को अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं आता। पीहू भी कहती है कि आई विश आप मेरे साथ चलते तो कितना अच्छा होता माँ की जगह, लेकिन यहाँ पर पता नहीं भाई को क्या प्रॉब्लम है। मीनवाइल दिखाया जाएगा कि प्रशा इन दोनों की बात सुन लेती है और एक प्लान बनाना शुरू करती है और कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है जिसके साथ में वो मना नहीं कर पाएंगे मुझे तुम्हारे साथ भेजने से। और ये सुनकर के पीहू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब ऐसे में देखना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर प्रशा कैसे जा पाएगी दिल्ली। और इधर शारदा कहती नज़र आती है रुद्राक्ष से कि तुम्हें जल्दी से तैयार होना है क्योंकि तुम्हें एडमिशन के लिए जाना है। और इसका नाम सुनते ही रुद्राक्ष कहता है कि हाँ माँ डोंट वरी, मैं टाइम पर उस कॉलेज में पहुँच जाऊँगा। और कोइंसिडेंसली जिस कॉलेज में प्रशा जाने वाली है पीहू के साथ, उसी कॉलेज में रुद्राक्ष भी आने वाला है किसी के एडमिशन के लिए। अब आखिर क्या इन दोनों का फेस ऑफ हो पाएगा, ये देखना होगा, काफ़ी दिलचस्प। लेकिन फ़िलहाल ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।